आज की सदा
फंक्शन की जो सदारत कर रहे हैं अमीन कमर साहब, वजीर मुंशी साहब और डॉक्टर शाहनवाज साहब और हाल में बैठे हुए खातिनों हजरात और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया कि मैं भी आपके सामने कुछ अपने विचार रख सकूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं उर्दू में बोलूँ या डोगरी में बोलूँ, मुझे समझ आ जाती है। आप साथियों, गल ये है कि गुजरी जिले कोई अपने कोला बखरा नहीं समझता है। एक चाली देखा जाए तो साढ़े जम्मू इनका भी बड़े रोल है। हमारा मुश्ताक जी है जिन्होंने अकेडमी, मेरा अजीज मंशा खान जी यानी जिन्होंने इस जबान ने एक विरासत दी है, यानी एक बड़ो बड़े खिजाव आती है। ये लोग बैठा हुए सौंपना करूँ इसमें बयान करूँ तो सामने भी घट है। मेरे मतलब ये दो कि अज जो त्रै रोज सेमिनार या त्रै रोज जी है इन्होंने अकैडमी की तरफों इनका की हुआ है, इसका देखने वास्तव कि चीफ मिनिस्टर साहब आता तो उन्होंने आना चाहिए क्योंकि वो गुजरान और रिश्तेदारी को भी मुझे बनाने फारक अब्दुल्ला साहब के सारा पास नचे भी जगह गुजरान रिश्तेदार भी हैं। इतनी घड़ी के नाच आता आ गया क्योंकि बिगड़ा भी नहीं ज्यादा हूँ। मैं मेरा अजीज मेरा भतीजा आया था जनाब मिनिस्टर मियाँ अल्ताफ साहब आया था, जो मेरे भतीजे दो भतीजे, इनको भी फर्ज बने कि ये पार्टियाँ कांग्रेस के अंदर है या ये नेशनल कानून का बड़ा गरीब है। चीफ मिनिस्टर मेरा भतीजा का नाम चीफ मिनिस्टर साहब के नाम उनका जिस ये सेमिनार तीन रोज का बजाय सद रोज करना चाहिए ताकि जितना भी बाहर का लोग है या जम्मू का लोग इस हवाले में हम कह रहे हैं आज सारा लोग उस ज्ञान वास्ते जनता इस जन स्टेज पर तो आज हूँ बोल रहे हूँ ये सब लोग आना ये मनुष्य काफी रिक्त आया ये स्टेज पर भी आया या चीज ये सब मेरी अच्छा हूँ मेरे छोटी अजीजा है बहन जो भी है ये बात जरूर ठीक है कि जिन्हें लोगों ने क्योंकि जो भी जिन्होंने उन्होंने तो बढ़ा दे सुनो आप ठीक है जब सुनो और क्या इतनी बैठो वो चले तो सुनो सुनो ही चले अगर वो नागपुर भी बैठो इतनी बैठो तो सुनो तो अपनी जगह सुनो ही दादा मैंने आज चीज का याद है अभी इस गल की है मैंने किसी ने मेरा डोट जाएंगे डॉक्टर तरुण सिंह साहब ने डोगरी जबान का क्यों शुरू कर क्या एक हकीकत है कि जिस कौम के पीछे पोलिटिकल ताकत है क्योंकि कश्मीरी के पीछे पोलिटिकल हुकूमत थी इस वास्ते वो दिल्ली की मीटिंग बोली जा रही है इस वास्ते जेडी दिन में सबसे पहले आई क्योंकि जान वास्ता है जो कुछ कियो वो थारे सामने बयान कियो आओ बड़ा मुख्तसर तरीका ना अपना बारे में बड़ी मुख्तसर तो थोड़ी ही गल दसी लेकिन कुछ ज्यादा लोग होता तो मैं उन्होंने इस गल वास्ते मजबूर करता कि मैं कुछ ज्यादा गल भी अपने बारे में दस सकें था कि हम जो जान सकता कि किन हालात में और किन सूरत में इस गोजरी जबान में तरक्की देने वास्ते तरमीम देने वास्ते किन लोगों ने मोहरे हो गए ये काम कियो तो ये जिम्मेदारी अपने सर ली। चौधरी गुजार साहब को शुमार उन लोगों में है जिन्होंने सियासी तौर पर भी तो इखलाकी तौर पर भी इस जबान की तरक्की वास्ते अपन भरपूर साथ दितो और हमेशा जो लिखाड़ी था लिखण वाला था अदीब था शोहरा था कलमकार था या दूसरा आर्टिस्ट था इन्होंने भी तरक्की वास्ते उन्हें वो उत्साह वास्ते उन्हें भी हौसला अफजाई वास्ते हमेशा उनकी पुष्ट और शाबाशी देता रहा और उन्होंने इस गल वास्ते तैयार करता रहा कि तुम अगे वधो अपनी जबान अपनी मां की हिम्मत करो। नसीम पुंछी साहब या इकबाल अजीम साहब को शुमार उन लोगों में है जिन्होंने हमना कलम पकड़ गया इस जबान मां बोली मां कुछ लिखने की जाय दसी। ये वे लोग हैं जिन्होंने पहला किसी ने अपनी जबान में लिखने की तरफ